हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी। जैसे कि आप मुझे जानते हो, मेरे चैनल है स्विमिंग बाय मनी। दूसरा है टेक्निकल लवली मनी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज की वीडियो है स्विमिंग की ड्रिल्स, बैक स्ट्रोक की। ठीक है, बैक स्ट्रोक में कैसे हाथ चलाने चाहिए और कौन कौन सी ड्रिल्स करनी चाहिए, कैसे स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ाने के ऊपर बैक स्ट्रोक की, उसके ऊपर आज वीडियो है। जो उनके लिए जिनको बैक स्ट्रोक अच्छे से आता है, जिनको नहीं आता वो भी देख सकते हैं, उनको भी काफ़ी बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो पहले मैं बैक में हाथ बता देता हूँ कैसे चल रहे हैं। बैक में जो हाथ चल रहे हैं, जैसे ऊपर है ना, ये हाथ पीछे जाके यहाँ तक जाके फिर ये ऐसे प्रेस होगा। ठीक है, मतलब कि आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो कैसे करनी है, बेंड एंड टर्न, बेंड एंड टर्न, बेंड एंड टर्न। ठीक है, इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। बेंड में एक याद रखना कि ये हाथ ना ऐसे नहीं चलना चाहिए, कई बच्चे ऐसे चलाते ना, ये बेंड ऐसे देन ऐसे। ठीक है, जो हम पानी खींचेंगे, जैसे कि हम बैक में कर रहे हैं ना, ये हाथ ये ऐसे चलेगा फिर यहाँ चलेगा, मतलब लिसन, ये बैग में ये हाथ चलते हैं। ठीक है, किक आपको पता होगा, बेसिकली हमने आज जो हैंड मूवमेंट के ऊपर ही वीडियो बनानी है और किक भी होगी इसमें। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोल दूँ, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है ज़्यादा तगड़ी, जो स्विमिंग से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, आप बार बार स्पीड नहीं बढ़ी, दिक्कत आ रही है, तो अपनी वीडियो शूट करके आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पे भेज सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फालतू की कोई भी वीडियो मत डालना या कोई भी मैसेज मत डालना, स्विमिंग और मोबाइल से रिलेटेड जो आपने पूछना पूछ सकते हो, अदरवाइज फालतू कुछ मत डालना, मैं तुरंत रिमूव कर दूंगा। क्योंकि उस ग्रुप में मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसमें छोटे से लेके बड़ा हर कोई, मेल फीमेल सारे होते हैं, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, अभी ये कर रहा है बैक स्ट्रोक। ठीक है, बैक स्ट्रोक में क्या होता है कि आप चेक कर सकते हो, इसके बाद हम ड्रिल्स दिखाएंगे बैक की क्या है, ये हैंड मूवमेंट चेक कर सकते हो। जैसे मैंने बताया, सेम वैसे कि वैसे आपने हैंड मूवमेंट चलाने हैं। इससे क्या होगा, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, अभी देख सकते हो कि इसकी स्पीड नॉर्मली क्या चल रही है, जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस चलती जाएगी वैसे वैसे आपकी स्पीड भी इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। अब हम बताएंगे इसकी ड्रिल्स, और पहले आप देख सकते हो कि ये जो टर्न है बैक में, कैसे टर्न मारना है, ये सारा कुछ आप चेक कर सकते हो इसकी। ठीक है, और ये मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, जो हैंड मूवमेंट है वो कैसे चलनी है, ये देख सकते हो, पानी के अंदर जाके फिर एस, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, पैर मूवमेंट ऐसे चलनी है, और कोशिश करनी है कि बैक में पैर बाहर ना निकले, जो पानी बाहर आता है वो आना चाहिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये बैक मूवमेंट आप चेक कर सकते हो। ठीक है, बैक में जो बैक समरसॉल्ट मारनी होती है, आपको अंदाजा होना चाहिए कि आप हैंड काउंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, शोल्डर एक बाहर आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब करते हैं ड्रिल्स, दिखाता हूँ अब क्या करना होता है। अब हमने सिंगल सिंगल हाथ, अभी बैक की ड्रिल हो रही है, बैक की ड्रिल में अभी हैंड मूवमेंट हो रही है। हैंड मूवमेंट क्या करना है, तीन बार एक चलाना है, तीन बार वो चलाना है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हैंड मूवमेंट हमारा अच्छा काम करने लग जाएगा, जिसके कारण हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी बैक स्ट्रोक की। इसी तरह सभी की ड्रिल्स होती हैं। ठीक है, सभी की ड्रिल्स मैं आपको दिखा दूंगा। अभी चिंटू की आज की जो प्रैक्टिस है वो बैक के ऊपर है, तो इसलिए मैंने बैक के ऊपर वीडियो बना दी। नेक्स्ट वीडियो आप मुझे कमेंट कर देना किसके ऊपर बनाऊँ, वैसे मैं फ्री के ऊपर बनाऊँगा। फ्री की ड्रिल्स ज़्यादा आती है कि फ्री के ऊपर स्पीड कैसे इंक्रीज करें, फ्री की स्पीड कैसे बढ़ाएं। ठीक है, तो इसमें आपने देखना है कि इसको आराम से खींचना है, और बैक हमने समर शॉट मार के, बल्कि लगभग आपने फ्री स्ट्रोक पूरा करना है, और इसमें आपने सिर्फ मूवमेंट जो करनी है ना, एक मूवमेंट तीन बार करनी है। ठीक है, ये देख सकते हो कि इससे आपको क्या होता है, पता चल जाता है कि हमारे जो हैंड है वो गलत तो नहीं है, अगर गलत है तो सही हो जाते हैं। ठीक है, ये ट्रिक्स आपको समझ में आ गई होगी, ड्रिल्स क्या करनी है। ठीक है, ये आपने साथ में पूरा स्ट्रोक करना है, किक करनी है, हाथ चलाना है पूरा पूरा। ठीक है, ये चीज़ आपने करनी है कंटिन्यू, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी स्पीड में। तो फ्रेंड्स, सिंगल हैंड आपको समझ में आ गया। इसी में ड्रिल्स में क्या होगा कि यही राउंड आपके सिंगल जो हाथ चला रहा है, या अभी तीन तीन चला रहा है, तीन ही हैंड, ये तीन हैंड वो, इसी में फिर सिंगल हैंड चलेगा, मतलब कि 25 मीटर आपने एक हाथ चलाना है, 25 मीटर दूसरा हाथ चलाना है। इसके आप राउंड सेलेक्ट कर सकते हो, पाँच राउंड आपने एक हाथ से माने, पाँच राउंड एक हाथ से माने, मतलब कि 25-25 करके माना, इकट्ठे 50 मत माना। ठीक है, आपने 25 का बजाने हैं, मतलब कि 25 के राउंड मारने हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट ट्रिक बताते हैं कि नेक्स्ट ट्रिक में क्या करना होता है। जैसे कि अब ये तीन तीन हाथ चला रहा है, अब हम इसकी टेक्निक्स चेंज कर देंगे। अब ये क्या करना है, इसमें अपने जो हैंड मूवमेंट है वो चलाने हैं, अब दोनों हैंड मूवमेंट चलाने हैं, पर जो हैंड लेके आना है वो स्लो लेके आना है, जिसके कारण किक फास्ट करनी है, मतलब कि किक अपनी फास्ट होनी चाहिए और हैंड मूवमेंट स्लो होनी चाहिए, जिसके कारण किक की एक्सरसाइज होगी और साथ के साथ अपनी हैंड की भी होगी। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट आप आगे चल। नेक्स्ट ड्रिल्स है जिसमें आपने क्या करना है कि हैंड मूवमेंट बहुत स्लो कर देनी है और किक मूवमेंट फास्ट होनी चाहिए, जिसके कारण आपकी किक मूवमेंट की प्रैक्टिस होगी और हैंड मूवमेंट एक्यूरेट चलेंगे। ठीक है, मतलब कि स्लो में क्या होगा कि आपकी स्पीड तभी बढ़ेगी जब आप किक तेज करोगे, अदरवाइज़ आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको सही हाथ मारने और सही हाथ खींचने आ जाएंगे, जिसके कारण आपकी स्पीड इंक्रीज हो गई। ठीक है, यही सेम बैक में भी होती है। ठीक है, बैक में भी यही होती है, और आप अभी चेक कर सकते हो कि चिंटू जैसे किक कर रहा है और ये हाथ उसका ऊपर वाला स्लो चल रहा है,
पानी के अंदर से खींच के मारना है हमने, ऐस बनानी होती है एक किस्म की, ठीक है, ये चेक कर सकते हो। हालांकि पानी के अंदर पैर चल रहे हैं जो कि स्पीड में चल रहे हैं, बल्कि पावर काफ़ी लग रही होती है कि, और पानी के बाहर हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी जोर नहीं लग रहा, ठीक है, स्मूथ चल रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने ड्रिल्स करनी है, ये ड्रिल्स होती हैं, अगर आप इसको करोगे उसके बाद आप टाइम को देखना कि आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा टूट जाएगा, और आप मुझे थैंक यू लिखोगे कमेंट में, मुझे याद है, मुझे पता है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी ड्रिल्स हैं, फ्री के ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि मैं फ्री के ऊपर ड्रिल्स बनाऊँ, ड्रिल्स की वीडियो बनाऊँ, और काफ़ी कुछ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ जल्दी जल्दी। पर ये चैनल बिगिनर्स के लिए मेन रहता है, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उनकी फ्री स्टाइल की स्विमिंग पूरी हो गई होगी, तो जाने मीडिया उन्होंने स्पीड भी इंक्रीज़ करनी है। तो नेक्स्ट सीजन जो आएगा अगले साल का, वो बिगिनर के लिए मैं वीडियो तो बनाऊंगा, साथ में मैं ड्रिल्स भी बनाऊंगा, क्योंकि फैमिली बढ़ती जा रही है, 46 होने वाले, 44 हो गए हैं मेरे के सब्सक्राइबर, और जल्दी जल्दी 1K भी हो जाएंगे। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है वो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, पर उनको अभी जैसे फ्री स्टाइल आ गया होगा तो उसके बाद उनको फ्री स्टाइल को एक्यूरेस करने के लिए भी चाहिए, स्पीड भी बढ़ानी है, कईयों को पूरा अच्छे से आ गया है, जैसे कि मुझे ग्रुप में काफ़ी जने वीडियो भेजते हैं, अभी मैं ग्रुप में जिन्होंने मुझे वीडियो भेजी है मैं उनसे परमिशन लेके उनकी वीडियो डालूंगा, ताकि जो आपको पता लग जाए कि किन किन ने मेरे से वीडियो कि मेरे चैनल से स्विमिंग सीखी हुई है, ठीक है, ताकि जो आपको भी मोटिवेट मिले कि हाँ अभी वीडियो जरूरी नहीं है कि मेरा प्रेजेंट टाइम वहाँ होना है और आपको स्विमिंग भी आ जाए। तो ड्रिल्स की ये चेक कर सकते हो कि ये चिंटू अभी पैर चला के कितना स्मूथ कर रहा है, और यही बैक में इसका टाइम तोड़ेगी। ये ड्रिल्स होती हैं जो कि हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट करती है हमारी स्विमिंग को, पर हमें इसको इग्नोर कर देते हैं, हम सिर्फ तैरते जाते हैं। जैसे कि मैं काफ़ी जनों को बोलता हूँ कि किक की प्रैक्टिस करो, तो वो नहीं करते, वो सोचते हैं कि क्या होगा, ये तो बस बकवास करी जा रहा है ऐसे, पर स्टडी करता रहता हूँ मैं स्विमिंग के ऊपर छोटी। तो चलो अब नेक्स्ट ट्रिक बताता हूँ कि क्या करना है, नेक्स्ट ड्रिल्स क्या करतानी है। पहली ड्रिल्स आपको समझ में आएगी, एक हाथ बैक का, एक हाथ 3 बार चलाना है, फिर दूसरा हाथ 3 बार चलाना है। तो अब नेक्स्ट करेंगे हम किकिंग, आगे किक की बारी। अब किक में क्या करना है कि आपने 12 किक करनी है फ्री की, ठीक है, ये वाली 12 करनी है, उसके बाद आपने ऐसे ही सीधा हो जाना है, ठीक है, जैसे कि ये देख सकते हो, उसके बाद 12 किकिंग करनी है आपने ऐसे, ठीक है, बैक किक, ठीक है, फिर 12 किक ऐसे, ठीक है। इसमें किक इम्प्रूवमेंट होगी बैक और फ्री की दोनों की, ठीक है, 12 किक आप लोग को काउंट करनी पड़ेगी, ठीक है, इसके आपने राउंड मारने कंटिन्यू, ठीक है, चेक कर सकते हो, किक मूवमेंट तभी इम्प्रूवमेंट होगी जब आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। इसमें जोर काफ़ी लगता है, ठीक है, और कई जने मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई जब हम स्विमिंग करते हैं सिर अंदर रहता है बाहर रहता है, भाई ये कॉमन रहता है, ना ज़्यादा अंदर रहता है ना ज़्यादा बाहर रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हो डोल फिल की है, डोल फिल करके शेक किक फिर हमने करनी है, ठीक है, शेक किक, जब हमने सांस लेने की बारी आ गई तो हमने सीधे हो जाना है, ठीक है, फिर बैक की 12 किक, बल्कि 12 किक का ये सेट चल रहा है। आप स्टार्टिंग में अगर आपसे 12 किक नहीं हो रही तो आप कम भी कर सकते हो, ठीक है, पर 12 किक आपको हो जाएगी जल्दी जल्दी से तभी आपको रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमने यही किक 12 की बजाय हमने ये 16 कर देनी है, उसके बाद 18 कर देनी है, यही सेट चलेंगे जिसके कारण हमारी किक इम्प्रूवमेंट होएगी और ये किक हमारी रुकेगी नहीं। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया हो, ठीक है। ये ड्रिल्स है बैक की, पर यही ड्रिल्स अगर आप एक मूवमेंट एक स्ट्रोक के ऊपर भी करोगे तो जर्मनी आपके सभी स्ट्रोकों के ऊपर फ़र्क दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है ना, आपके बाकी स्ट्रोकों के ऊपर भी टाइम टूटेगा, ठीक है। तो अभी आप चेक कर सकते हो, बैक में आ गए, पहले बैक में एक साइड बैक में डोल फिल कर ली, एक साइड फ्री में कर ली, जिसके कारण आपको फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। ये चेक कर सकते हो फ्री की प्रैक्टिस किक की कैसे करनी है, बैक की प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये सारा मूवमेंट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो वीडियो का एंड करते हैं, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आपको बैक स्ट्रोक पूरा फ्री में दिखा देता हूँ, बल्कि पूरा बैक स्ट्रोक कंप्लीट दिखा देता हूँ, ये ड्रिल्स तो आपको समझ में आ ही गई होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो बैक स्ट्रोक हम 50 मीटर का टाइम ही नोट करेंगे, जो कि हम वीडियो में नोट करेंगे कितना इसने फ्री में बैक में टाइम दे रहा है पूरा अच्छे से स्टार्ट करके, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं, अभी पहले इसको कंप्लीट पहुंचने दो, अभी ब्रीथिंग करा के इसको नॉर्मल करा रहे हैं, टेक योर मार्क गो। तो फ्रेंड्स अभी इसकी बैक की डाइविंग की मैंने प्रैक्टिस नहीं कराई, अभी मैं बैक दिखा रहा हूँ कि इसकी बैक मतलब कि क्या मूवमेंट में चेंजेस आए होंगे, क्या इसने टाइमिंग देना क्या नहीं देना। तो अभी इसने ड्रिल्स की है, तो अभी मैंने आपको एक बार फ्री बैक पूरी अच्छे से दिखा देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। मैं इसके साथ इसलिए नहीं किया था जो आपको पता लग जाए कि ये कितनी दूरी में खींच रहा है, कैसे खींच रहा है, ठीक है। तो ये चेक कर सकते हो आप, इसका कितने में क्या टाइमिंग रहता है आप नोट कर सकते हो। हालांकि जब हम टाइम नोट करते हैं तो कुछ और मूवमेंट होती है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये कुछ और मूवमेंट में कर रहा है,
ठीक है फ्रेंड्स, ये चेक कर सकते हो इसका। ये देख सकते हो, ओके बबलिंग करो। आई होप कि आपको बैक की सारी ड्रिल्स पता चल गई होगी। मैं आपको फिर भी एक बार बाहर से बता देता हूँ। सबसे पहले जो हमने की थी वो फ्री स्टाइल था, बैक का था, बैक स्ट्रोक किया। उसके बाद मैंने आपको ड्रिल्स दिखाई जिसमें चिंटू तीन हाथ ये वाले चला रहा था, तीन हाथ ये वाले चला रहा था। उसके बाद एक ड्रिल जोर होती है जिसमें ये एक हाथ, बल्कि 25 मीटर में ये हाथ चलाना होता है, फिर 25 मीटर में ये हाथ चलाना होता है पूरे बैक मूवमेंट में। उसके बाद आ जाता है कि ये मूवमेंट हमने हैंड मूवमेंट बहुत स्लो कर देनी होती है ऊपर वाली, फिर ये हाथ चलना होता है जिसके कारण हमारे पैर तेज चलते रहते हैं और स्मूथ चलना होता है, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है जो कि आपकी किक की प्रैक्टिस आ जाती है। किक की प्रैक्टिस में क्या करना है, आपने बैक की 12 किक करनी है और फिर ऐसे ही सीधे जाना है, फ्री की 12 किक करनी है, बैक की और 12 किक करनी है, फिर फ्री की, इसके भी आपने राउंड मारने हैं। अगर आप ये चीज़ की प्रैक्टिस करते हो जो कि मैंने अभी दिखाई है, उसके बाद आपने चिंटू का टाइम भी नोट किया होगा, इसने 50 मीटर जो दिया है 45 में दिया है, ठीक है, और इसका टाइम कंटिन्यू टूट जाएगा। अभी ये वार्म अप करके तुरंत इसने दिया है, मतलब ये 45 के आसपास दे देगा राउंडली, तो इसने ज़्यादा टाइम तोड़ना है, बस 3 सेकंड तोड़ने हैं और 3 से 4 सेकंड तोड़ने हैं, जो कि जनवरी में मैं इसके तोड़वा दूंगा। पर डिपेंड करता है, डाइट भी अच्छी होनी चाहिए, करने के बाद हम क्या पी रहे हैं क्या खा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। आप प्रैक्टिस करने के बाद कोल्ड ड्रिंक तुरंत पी लो या फिर अंडे खा रहे हो अंडे के साथ पानी पी लो, वो बहुत नुकसान करते हैं। ये बात नोट रखना कि कभी भी कोई चीज़ खाते हैं उसके साथ तुरंत कभी कोल्ड ड्रिंक या पानी नहीं पीना चाहिए, चाहे वो पिज़्ज़ा है चाहे कुछ भी है, स्नैक्स है या कुछ भी है। जब हम कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है जो कि खाने को अच्छे से पचाता है, और अगर आप उसके साथ कोल्ड ड्रिंक पी लेते हो तो वो केमिकल, मतलब कि जो आपका खाना होता है वो ज़्यादा चिपचिपा सा हो जाता है, जिसके कारण केमिकल ज़्यादा रिलीज होता है पचाने के लिए। अदरवाइज़ कम है तो कम रिलीज़ होगा, फिर ज़्यादा रिलीज़ होगा, जिसके कारण आपको भूख लगेगी ज़्यादा जल्दी और आपके पेट में गैस बनेगी और शरीर को कुछ नहीं लगेगा, जिसके कारण बीमारियाँ लगनी शुरू हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और फ्री स्टाइल की भी मैं बढ़ाऊंगा, और 44 सब्सक्राइबर हो गए, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। जल्दी जल्दी 50 हो जाए फिर हम जश्न मनाएंगे। जश्न क्या मनाएंगे, कुछ नहीं, बस थैंक यू बोलूँगा आपको सबको। जब 1 मिलियन हो जाएंगे तो बटन आएगा तो जश्न होंगे बड़े बड़े। चलो ऐसी तरह सपोर्ट करते रहो मेरी वीडियो को, और हेट भी करते रहो ताकि मुझे पता चले मेरी गलती क्या है, अगर गलती है तो, अगर नहीं है तो नहीं करना, जानबूझ के नहीं करना। अभी वो प्रैक्टिस कर रहा है, वो सिर्फ एक हाथ ही चलाएगा 25 मीटर में, फिर 25 में दूसरा चलाएगा। इससे क्या होगा, इससे इसकी मूवमेंट सुधरेगी और साथ के साथ स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। तो कोशिश रहती है आपको बढ़िया से बढ़िया वीडियो दे दूँ, वीडियो लंबी होती है उसके लिए सॉरी, अगर आपको अच्छे से बताना कुछ तो करना पड़ेगा। तो बाय फ्रेंड्स, थैंक यू वॉच द वीडियो, और मेरे टेक्निकल लवली मनी को भी सपोर्ट करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में टिकटॉक इंस्टाग्राम सब पे फॉलो कर लो, ठीक है। तो बाय, थैंक यू वॉच फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ड्रिल्स आपको समझ में आ गई। ये चैनल है स्विमिंग बाय मनी, जिसके ऊपर आपको स्विमिंग से रिलेटेड ट्रिक्स मिलती है। ये है टेक्निकल लवली मनी, जिसके ऊपर मैं गैजेट्स की अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, थैंक यू वॉच द वीडियो।